कानपुर में हिंसा के बाद आज शुक्रवार को पुलिस हाई अलर्ट पर है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इस बीच अब हिंसा पर भी सियासत का दौर जारी है। दरअसल IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर कानपुर पहुंचे थे हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। पुलिस ने उन्हें कानपुर रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया, उन्हें शहर में जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस वीडियो में देखिए कैसे स्टेशन पर ही बैठे रहे सांसद मोहम्मद बशीर। इसके बाद पुलिस ने सांसद ईटी मोहम्मद बशीर से दिल्ली वापस जाने को कहा। I want to sir left you in Delhi sir. उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। साथ ही दिल्ली आने के बाद उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर करारा हमला बोला। बीते शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद कानपुर सहित कई प्रमुख शहरों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आज का दिन काफी अहम है। आप देखिए ड्रोन के जरिए यतीम खाना इलाके में पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। आप देखिए यतीम खाना काफी सेंसिटिव जोन है और पिछले शुक्रवार को यहीं पर हिंसा शुरू हुई थी और 125 सेंसिटिव इलाकों में रखा गया है, चुना गया है और इसीलिए यतीम खाना जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां पर अब ड्रोन को भी उड़ाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम चेक किया जा रहा है, नजर रखी जा रही है। खासतौर से जो घरों के ऊपर ड्रोन को लेकर के जा रहे हैं, जिन घरों से पत्थरबाजी की बात कही जा रही थी उनके आसपास भी ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से यतीम खाना इलाके में भी चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। आतंकी संगठनों का माहौल खराब करने की धमकी देने और मुस्लिम संगठनों की ओर से बंद की अपील के बीच प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिस अलर्ट पर है। कानपुर में 21 संवेदनशील जगहों और 150 गलियों की पहचान संवेदनशील इलाकों के रूप में की गई है। संवेदनशील जगहों पर 7 ड्रोन की निगाहें शरारती तत्वों पर हैं। आने जाने वालों की हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है ताकि कानपुर में फिर से हिंसा ना हो। यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी किसी ने हरकत की तो दंगाइयों की खैर नहीं। यही वजह है कि यूपी के कई शहरों में आज अलर्ट घोषित है।